राधिका के आप सबने पिछले भाग तक ये देखा था कि रानी के भाइयों के द्वारा अभी तक तो राधिका को सिर्फ और सिर्फ हाथी का मुकुट ही पहनाया गया था, लेकिन आज रानी की भाइयों के कारण आज राधिका को पूरा का पूरा हाथी का कॉस्ट्यूम ही पहना डाला है, जिससे राधिका फिर से आगे आने वाला ट्रैक में काफी दुखों का सामना कर रही है। और अब रानी की भाइयों ने बंसल परिवार में आकर वो अपना पूरा हक तो जमा लिए हैं और आज राधिका के पूरे हाथी बनाकर उसे अब बंसल परिवार के घर में सर्कस लगाया गया है और उस मोहल्ले के सारे बच्चे को उसमें बुला लिया जाता है। फिर वो सब बच्चे राधिका को वहाँ पर काफी परेशान करने लगते हैं और वहीं पर रानी अब सब बच्चों के हाथ में कुछ रिंग देती है और रानी उन बच्चों से वो पूरे रिंग उस हाथी के सूंड में लगवाती है, लेकिन अब वो सारे बच्चे उस हाथी के सूंड में रिंग डालने के लिए काफी शोर मचाने लगते हैं और यहाँ तक तो कुछ बच्चे राधिका को उस रिंग को फेंक कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद जब रानी की भाइयों का जी नहीं भरता है तभी राधिका को वहाँ पर हाथी बनाकर सब बच्चों के साथ में खूब नचाया भी जाता है, लेकिन एक दिव्यम है जो ये सब कुछ देखकर एक तरफ काफी खुश भी रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ दिव्यम रानी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मन अति सुंदर का पूरा भाग दंगल टीवी पर।